दोस्तों आज है मेरे पास एक्शन कैमरा प्रोकस का वाइपर। अगर आपको व्लॉगिंग करना पसंद है और आप एक एक्शन कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप अगर सस्ते बजट में एक्शन कैमरा खरीदना चाहते हैं 1000, 1200, 1500, 2000 में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको खिलौना मिलेगा जिससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें कैमरा 2 मेगापिक्सल का लगा होगा, सारे इक्विपमेंट मिल जाएंगे बट आपके किसी यूज़ का नहीं होगा, आप खेल के फेंक दोगे। अब आती है इसके ऊपर की जो क्वालिटी, जैसे 3000, 4000, 5000, तो इसमें आपको कैमरा मिल जाएगा ठीक ठाक क्वालिटी का, बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको 4K वगैरह मिल जाएगा, 60 FPS वगैरह, फुल HD मिल जाएगा, सेंसर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी आपको देगा नहीं जो कि आपको गोप्रो वगैरह में मिलती है, जो कि और अच्छे कैमरे होते हैं, जो कि और अच्छे एक्शन कैमरे होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ काम चलाना है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन कैमरे में एक एक्सटर्नल माइक का पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो माइक लगा होता है इससे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो बाहर का साउंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक चाइना माइक लगा होता है जो कि चाइना फोनों में लगा होता है, बहुत ही बेकार टाइप का माइक होता है, जो जिससे साउंड बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर आपको थोड़ा, आप पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा पैसा जोड़ के आप गोप्रो ही खरीदेगा। बट अगर आपको ये खरीदना है, अगर आपने आपको केवल वीडियो बनाना है, उसमें साउंड आपको अपना नहीं डालना है, तो आप खरीद सकते हैं जिसमें एक्सटर्नल माइक ना लगता हो, आप केवल व्लॉगिंग करने के लिए खरीद सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सही कैमरा चाहिए तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक्सटर्नल माइक लगता हो, वरना आप पैसा वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ की इसमें की जो इमेज क्वालिटी है, वो अगर आप जैसे खरीदते हैं MI का, जो कि कम बजट में आ जाता है, तो वो तो ठीक है, वो आपके काम आ जाएगा। बट अगर और आप कम बजट में जाते हैं 3000, 4000, तो इसमें कुछ फायदा नहीं है। लगभग आप 6 से 7, 8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये तक की अगर रेंज में लेंगे तो आपके यूजफुल हो सकता है। बट अगर इससे कम में आप जाते हैं तो बिल्कुल भी बेकार है लेना, आप पैसा वेस्ट मत करिए। घर पे कोई डिजिटल कैमरा पड़ा हो किसी अच्छी कंपनी का तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट सिर्फ एक्शन कैमरा लेने के लिए अगर आप पैसे वेस्ट करने जा रहे हैं 1000, 1200, 2000, 3000 तक भी, तो मत खरीदिएगा, बिल्कुल भी आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको वाकई में यूज़ करना है तो जैसे MI का आप ले सकते हैं एक्शन कैमरे, उसके बाद 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में कुछ एक्शन कैमरे आते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से एक्शन कैमरे आपके लिए सही होंगे, तो वो आप परचेज़ कर लीजिएगा। ये जो मैंने परचेज़ किया इससे मैं केवल वीडियो बना सकता हूँ, इसकी बैटरी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अगर आप लगातार यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से 1-1.5-2 घंटे, एक मैक्सिमम 1.5 घंटे में ही बैटरी इसकी बोल जाएगी। इसके साथ सेकेंड बैटरी नहीं मिली है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी, तो मेरे हिसाब से इसको परचेज़ करना बिल्कुल बेकार है। और अगर केवल आपको वीडियो बनाना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।